तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट के, कोई भी मेटल है जो उसके इलेक्ट्रोड का जब हम बनाते हैं, तो जब हम उसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइंड करते हैं, तो उस मेटल इलेक्ट्रोड का हमें क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल मालूम चल जाता है, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मालूम चल जाता है। और हमने एग्जाम्पल लेके जिंक के इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाला था। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनको जब हमने क्या करा, इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज किया और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइंड करके उनका रिडक्शन पोटेंशियल निकाला। तो रिडक्शन पोटेंशियल निकाल के बहुत सारे एलिमेंटों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मिला, और उनको जब हमने एक सीरीज में लगाया, तो हमारी जो सीरीज बनती है उस सीरीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। और ये सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इस चैप्टर को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है, ये हमारे अगर समझ में आती है और इसके यूजेस हमें समझ में आते हैं, तो कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चन आप इजीली आप बना लेंगे। इसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, वो आपको क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी याद होनी चाहिए। और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को मैं संक्षेप में आपको लिखा दे रहा हूँ। जैसे सबसे फर्स्ट है Li(Ca)Br(Ca)Na(Mg)Al(Mn)Zn(Cr)Fe CD(Cu)Ni(Sn)Pb(S2) CuHgAgPtAu करके। तो इसको आप लिख लेंगे और इसको आपको याद करना है क्रम को, कैसे Li(Ca)Ba(Sr)Ca)Na(Mg)Al(Mn)Zn सी आर, यहाँ जगह कम होगी तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये इनके नीचे होंगे, MnZnCr Fe CD CO Ni SnPb H2, यहां तक। आप जानते हैं कि H2 का जो हम रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं वो कितना, जीरो लेते हैं आपका, कितना लेते हैं आपका, जीरो लेते हैं। तो ये जितने भी एलिमेंट मैंने लिखे हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर की ओर प्लेस्ड है, जबकि Cu HgAgPtAu ये आपका क्या है, सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे प्लेस्ड है। और लास्ट जो एलिमेंट है उसको आप लिख सकते हैं, फ्लोरीन लिख सकते हैं। जब हम इनके रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं, तो इनके रिडक्शन पोटेंशियल जो होते हैं, हाइड्रोजन से जो अबव प्लेस्ड है, इन सभी के रिडक्शन पोटेंशियल कैसे आते हैं आपके, निगेटिव आते हैं। कैसे आते हैं, निगेटिव आते हैं। और जो हाइड्रोजन से नीचे प्लेस्ड है, इन सभी के रिडक्शन पोटेंशियल आपके कैसे आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। तो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, पहले तो आपको याद इसी तरीके से होनी चाहिए कि Li(Ca)Ba(Sr)Ca)Na(Mg)Al(Mn)Zn(Cr)Fe(Cd)Cu(Ni(Sn)Pb(S2)Cu(Hg)Ag(Pt)Au(F), इस ढंग से याद होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी कारण आपको ये याद नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो मैं आपको बता देता हूं। लेकिन बट इसको आप याद करने के लिए, अगर इस सीरीज को आप लगातार 10 दिन तक ऐसे ही बोलते रहेंगे, तो ये शब्द आपको हूबहू बढ़िया तरीके से याद हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं याद हो रही है, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। जैसे Li के लिए आपने कहा ले, के लिए आपने कहा के लेके, Ba मतलब हो गया बारात, Sr मतलब हो गया सजी, यानी लेके बारात सजी, CaNa यानी कान्हा, Ca और Na को आपने कान्हा कह दिया, MgAl मजे से आला, यानी लेके बारात सजी कान्हा मजे से आला, MnZn के लिए मंजन, Cr के लिए कर, Fe फेक, Cd के लिए दे, कोई, Co हो गया कोई, Ni मतलब निगाहें, Sn मतलब सुंदरी, Pb मतलब हो गया प्यार भरी। तो इस तरीके से आपको याद हो सकता है, ले के बरात सजी कान्हा मजे से आला, मंजन कर फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी, यहां तक Pb तक आपको इस शॉर्ट ट्रिक से भी ये याद हो सकता है। और हाइड्रोजन इसके बाद आ जाएगा, Pb के बाद, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल हमने कितना रखा है, जीरो माना है। और CuHgAgPtAu के लिए
छापा शब्द, इससे आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। C for copper, H for mercury, A for Ag, P for Pt और A for Au हो गया। और लास्ट एक याद रखिएगा कि फ्लोरीन जो होता है ये हमारा इसके लास्ट में आता है। तो जब हम इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, आप अपनी बुक में देखिएगा जहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, तो सारे एलिमेंटों के आगे से उनके रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिए हुए होंगे। जैसे फ्लोरीन के आगे +2.87 इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा, और Li के आगे इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 दिया होगा। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपको याद है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इससे आप आसानी से बना सकते हैं। तो हम उन क्वेश्चंस को इसके यूजेस में देखेंगे। अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में। तो मैंने आपको जैसे बताया हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर एलिमेंट प्लेस्ड होते हैं इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव होते हैं। ये आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर एलिमेंट मौजूद हैं उन सब के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है, यानी उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, कम है। और हाइड्रोजन से जो नीचे एलिमेंट आपके प्लेस्ड है इन सभी के रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, प्लस में है, यानी कि इनके रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो जैसे जैसे आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम की ओर जा रहे हैं तो आपके जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो बढ़ते हुए जा रही है। तो चलिए बच्चों अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के यूजेस की ओर आते हैं। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का सबसे पहला जो यूज है वो होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि आपका कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूसिंग नेचर का है, या कौन रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा, ये आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आसानी से बता सकते हैं। और इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना, आपको फर्स्ट एलिमेंट Li को देखना है और उसका रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 आप याद रखिए, और H इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो ये बीच में रहता है इसका हमारा क्या होता है, जीरो होता है, और ये जो फ्लोरीन है इसका 2.87 प्लस में रहता है। बस आप इस Li, H, F इस तीन को याद रखिए और बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपके अभी समझ में आ जाएंगी। अब आप देखिए सबसे पहले हमें यह बताना है कि कौन सा एजेंट ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा, यानी कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। आप जानते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन में एक चीज जो चीज खुद रिड्यूस होती है वो दूसरे को क्या करती है, ऑक्सीडाइज करती है। आप समझ रहे हैं, कोई भी आप रिडॉक्स रिएक्शन लिख के देखिएगा, जिस भी चीज का रिडक्शन हो रहा होगा वो क्या करेगा, खुद तो रिड्यूस होगा लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। इसका मतलब क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा। अब जरा सा हम इसको इस आधार पर समझते हैं। तो इस आधार पर आप देखिए जो फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल है वो है +2.87 और Li का रिडक्शन पोटेंशियल है -3.05। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, आप जानते हैं कि +2.87 रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा -3.05 से। ऑब्वियस सी बात है, ये प्लस में है तो ये ज्यादा है, ये माइनस में है तो ये कम है। अब आप देखिए अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो इसका कहने का अर्थ है रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी, यानी फ्लोरीन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अब इसकी रिडक्शन पोटेंशियल क्योंकि बहुत ज्यादा है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो इसका रिड्यूस कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो यानी कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, रिड्यूस होने की इसकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अगर ये खुद रिड्यूस हो रहा है तो ये वर्क कैसे करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे, यानी कि फ्लोरीन इज द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो फ्लोरीन होगा वो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
होगा, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड जो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने का अर्थ हुआ ये खुद सबसे जल्दी रिड्यूस होगा। जब ये सबसे जल्दी रिड्यूस होगा तो ये वर्क कैसा करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करेगा, इसलिए सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यानी अगर अब हम कहें तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर उस एलिमेंट की इंक्रीज करते जाती है। और अगर हम इसका रिवर्स कर दें तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, रिड्यूसिंग नेचर आपका क्या होते जाएगा, वो आपका क्या जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। अब जरा सा इसको इसके रिवर्स को एक बार इस चित्र से भी समझ लेते हैं। अब आप देखिए एलआई का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, यानी इसके रिड्यूस होने की पावर जो है वो सबसे कम है, यानी ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। यानी ऑक्सीडाइज कैसे होगा, एलआई इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना देगा, एलआई पॉजिटिव बना देगा। यानी ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा। जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये किसके जैसे बिहेव करेगा रिडॉक्स रिएक्शन में, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इसीलिए ये सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अगर आप इस चित्र को समझ गए तो अब आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और जब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो रिड्यूसिंग नेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसकी सहायता से आप रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे आप जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग नेचर आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो आपको तीन चार एलिमेंट दे दिए जाएंगे, आपसे पूछेंगे कि कौन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आप देखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन कितना नीचे है, यानी किसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी ज्यादा है। जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो दूसरा एप्लीकेशन है वो कैलकुलेशन ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी किसी भी सेल के ईएमएफ को आप आसानी से इसकी सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जानते हैं किसी भी सेल के लिए ई नॉट सेल यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर सेल का आपको निकालना है, उसकी वैल्यू होती है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड के बराबर। ये सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल होंगे। अब आप देखिएगा कि कैथोड की जो वर्क कर रहा है आपके सेल में, जो कैथोड है उसकी ई नॉट वैल्यू आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ज्ञात कर सकते हैं, और वैसे ही ई नॉट एनोड की वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, ये आपको दी गई हुई टेबल में। जब आप इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर ई नॉट सेल अगर आपका पॉजिटिव आया, अगर ई नॉट सेल आपका पॉजिटिव आता है, इसका मतलब आपके कैथोड और एनोड ठीक है, यानी कि उसमें रिएक्शन होगी और आपका करंट फ्लो होगी। अगर ये सेल ई नॉट सेल वैल्यू आपकी निगेटिव आ जाती है, सपोज करिए इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये निगेटिव आ जाती है, तो निगेटिव का अर्थ क्या है कि जो आपने इलेक्ट्रोड लगाए हैं कैथोड जो है और जो एनोड है आपका, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। यानी एनोड को आपको क्या बनाना पड़ेगा, कैथोड बनाना पड़ेगा, और कैथोड को आपको एनोड बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम ईएमएफ ऑफ द सेल इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो तीसरा एप्लीकेशन है वो प्रिडिक्टिंग फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, या इसको हिंदी में समझना चाहे कि कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो बोर्ड में मैंने एग्जांपल के लिए एक रिएक्शन लिखी है, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Ag इज इक्वल टू Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव। और यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं कॉपर के लिए और सिल्वर के लिए, ये दोनों दिए हैं, एक है कॉपर के लिए है प्लस 0.34 और एजी के लिए है प्लस 0.80। अब हम इस डाटा की सहायता से इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी बता सकते हैं कि ये रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये वैल्यू देखनी है, इन दोनों वैल्यू को देखनी है। अब आप समझिए प्लस 0.34 और 0.80 इसमें से कौन ज्यादा है,
आप बोलेंगे ये ज्यादा है, बिल्कुल यही ज्यादा है। तो जब इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो इसका रिडक्शन होना चाहिए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होना चाहिए। अब इस रिएक्शन में आप देखिए Ag का रिडक्शन होना चाहिए, लेकिन बट इस रिएक्शन में ये जो Ag है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पर Ag पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि Ag का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जबकि ये डाटा बोलता है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इसीलिए इस कॉम्बिनेशन में Ag का रिडक्शन होना चाहिए, जबकि रिएक्शन में हमें क्या दिख रहा है कि सिल्वर यानी Ag का ऑक्सीडेशन हो रहा है। होना रिडक्शन चाहिए लेकिन दिखा हम क्या रहे, ऑक्सीडेशन दिखा रहे, इसीलिए ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, यानी ये रिएक्शन हमारी नहीं होगी। यानी अगर हम इसकी उल्टी रिएक्शन देखें, Cu से Cu plus 2Ag is equal to 2Ag plus Cu, उस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी। तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो चौथा एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन है प्रोडक्ट मेटल कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड और नॉट, या हम इसको कहें कि कोई भी मेटल हाइड्रोजन एसिड से हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा या नहीं। आप जानते हैं कि बहुत सारी रिएक्शन आपने देखी भी होंगी, जब भी कोई मेटल हाइड्रोजन एसिड यानी HCl H2SO4 से जब रिएक्ट करता है तो कुछ मेटल्स तो आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देते हैं, लेकिन कुछ जो मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर पाते हैं। तो उसको भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आसानी से बता सकते हैं कि कौन आपका लिबरेट हाइड्रोजन लिबरेट करेगा या कौन आपका हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेगा। अब जरा सा समझिए इस बात को, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने का अर्थ है कि ये जो H पॉजिटिव आयन होगा ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाफ ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस बनाएगा। यानी कि इस केस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है यानी कि वो रिड्यूस हो रहा है, यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनसे हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा ज्यादा होगा, वो सारे मेटल जब हाइड्रोजन एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को लिबरेट करेंगे। और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल किन मेटलों से ऊपर होता है, ज्यादा होता है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर की ओर प्लेस्ड होते हैं, जैसे LiKa, Ba, SrCa जितने भी हैं हाइड्रोजन से ऊपर है। यानी हाइड्रोजन से ऊपर किनका होता है, जो निगेटिव इलेक्ट्रोड यानी रिडक्शन पोटेंशियल वाले होते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हमारे एलिमेंट हैं उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो निगेटिव होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, वो होता है जीरो, ये हम आर्बिट्रेरिली मानते हैं। तो हाइड्रोजन का इनसे जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है, इसका मतलब है कि इनके साथ जब भी आपका इन ऐसे मेटल्स के साथ जब भी हाइड्रोजन एसिड्स रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन की जो क्या होगी टेंडेंसी, वो रिड्यूस होने की हो जाएगी, यानी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो यानी अगर आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से जितने भी मेटल्स ऊपर होते हैं वो सब के साथ हाइड्रोजन एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देंगे।